अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुदस्सिर नज़र। उर्दू डॉट्स डॉट कॉम की जानिब से आज एक और ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊँगा कि इस ट्यूटोरियल में कि किस तरीके से ये जो आई लेश वगैरह आई शेडो वगैरह हैं ये किस तरीके से ऐड किए जाते हैं, और अगर कोई ऐसी इमेज है जो कि मेकअप नहीं किया हुआ ये लड़कियों लड़कियों के लिए ये ट्यूटोरियल, तो उससे आप फोटोशॉप से यहाँ पे ये आई लेश और आई शेडो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, जो ओरिजिनल इमेज है वो ये है और हमने इसमें ये ऐड करके इसको इस तरीके का बना दिया गया। तो मैं इसको हाइड करूँगा और स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो आपको ब्रश जो चाहिए होगा आईलेश का वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स में मौजूद है, जो कि आप उर्दू ट्रस्ट डॉट कॉम के इस ट्यूटोरियल के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो इमेज है जो कि हम अपने से इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो वो भी आपको प्रोजेक्ट फाइल्स में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे लेयर बना लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से कलर चूज़ करूँगा येलो। अगर आप कोई और कलर चूज़ कर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी आपके इमेज को सूट करे वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करके और इसकी हार्डनेस 0 कर दूँगा और इसका साइज़ जो मेरी इमेज के हिसाब से सही होगा वो मैं इस पर इस तरीके से पेंट कर दूँगा। इस तरीके से पेंट करने के बाद आप इसको यहाँ से फिल्टर में जाएं और नॉइस ऐड नॉइस कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी जो शेडो वगैरह ऐड करते हैं वो चमक होती है उसमें, तो ये नॉइस भी हमारा वही काम करेगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ओके कर दीजिए और यहाँ से इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन से ओवरले पे सेट कर दीजिए और इसको इस तरीके से। उसके बाद एक और नया लेयर बनाते हैं और यहाँ से हम कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से इसको इस तरीके से इसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ से इसको ओवरले या सॉफ्टले पे सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा हम ब्लर दे देते हैं ताकि ये क्योंकि जो ब्रश है वो आप अपने इमेज के हिसाब से इसको सेट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा डार्क कलर अप्लाई नहीं करना चाहता, बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो कलर्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जैसा कि हम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी आप अगर आप गूगल में आई मेकअप लिखेंगे या मेकअप आई इस ऐसे करके कोई कीवर्ड लिखेंगे तो आपको इस तरह की काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके के कलर जो है ना यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं और कौन कौन से आई लेश डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। तो ये जो ब्रश है यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे ये स्टाइल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे हैं ये, और इसमें से जो आपकी इमेज को सूट करे जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे इसकी तरफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और न्यू लेयर बनाएं आप और यहाँ से हम कलर चूज़ करते हैं, फोरग्राउंड कलर जो है 5252 5252, और उसके बाद ब्रश साइज़ कम कर देते हैं 70 और यहाँ से इसको इस तरीके से कलर कर देते हैं।
इसको भी यहाँ से जाके आप सॉफ्ट ले या ओवरले पे सेट कर दीजिए। और चलें, जिसको हमने कलर लॉक पे सेट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें अब देख रहे हैं शाइन की तरह एक आ गया और चमक आ गई यहाँ इस पे, तो इसलिए हमने अब हम पढ़ते हैं अपने आईलेश की जानेब। और आईलेश लोड करने के बाद आप यहाँ से जाके लोड कर सकते हैं ब्रश जो आपके प्रोजेक्ट फाइल्स में मौजूद है, और उसके बाद यहाँ पे आपके ये ब्रशेज़ आ जाएंगे, और जो आप ब्रश अपने इस पे आईलेश यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करूँगा वो है ये 7280 और 7280। इसके लिए हम एक नया लेयर बनाएंगे और हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, डार्क ब्लैक। उसके बाद क्लिक, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया है, और हम इसको फिर ट्रांसफॉर्म करके हॉरिजॉन्टल, अब हम इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। इसी तरीके से इसकी कॉपी बना लेते हैं, और कॉपी ट्रांसफॉर्म फ्लिप वर्टिकल, उसको भी ओके कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम सॉफ्ट ब्रश लेके यहाँ से इसको थोड़ा सा शेडो दे देते हैं ब्लैक कलर का, देते हैं ओवरले पे। ये काफ़ी आसान ट्यूटोरियल, इतना कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी अगर आप अपने घर के फोटोग्राफ्स वगैरह एडिट कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्प देते हैं ये। ये कोई बाहर करके घूमता नहीं है, लेकिन इस तरीके के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स इमेजेस मौजूद हैं नेट पे, तो मैंने सोचा क्यों ना यही आज एक बना दिया जाए, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें अगर कोई बाहर जाके घूमेगा तो वो लोग उसको पाकिस्तान में तो बेवकूफ़ी बोलेंगे। खैर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसका जो ओरिजिनल इमेज थी वो, इसको एक मैं ग्रुप में कर लेता हूँ ताकि हम इसको आसानी से, जो ओरिजिनल इमेज थी वो ये थी और हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही आसान कुछ ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, बस कुछ हमने सिर्फ ब्रश का इस्तेमाल किया और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन का जो हमने इस्तेमाल किया है उसके ज़रिए हमने ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई किया। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, बहुत ही छोटा ट्यूटोरियल ही है, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जो आगे आने वाला ट्यूटोरियल उसमें। अल्लाह हाफिज़।